कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा बड़े आरोप बीजेपी पर लगाते नजर आ रहे हैं। विजयपुर से चुनाव जीतने के बाद ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा का कहना है कि मुझे 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था और ये भी कहा गया कि 2 करोड़ रुपए अभी ले लो, 3 करोड़ रुपए बाद में ले लेना। 5 करोड़ का ऑफर मिला था, ये मुकेश मल्होत्रा का गंभीर आरोप है और बीजेपी ने डकैतों से मरवाने की कोशिश भी की। ये भी मुकेश मल्होत्रा का बयान सामने आया और राम निवास के TI रिश्तेदार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। विजयपुर से चुनाव जीतने के बाद ये गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश मल्होत्रा, कांग्रेस के विधायक जो विजयपुर सीट से अभी चुनाव जीते हैं। और उनका ये कहना है कि मुझे 5 करोड़ का ऑफर देने के लिए मुकेश मल्होत्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा। रामास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार है, TI था, वो मेरे पास आए थे, एक कोई SDOP को लेके, वो तुमको चुनाव नहीं लड़ना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ये आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे तो आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे या फार्म खींच लेना। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है, हम लोग प्रॉब्लम हो। आपने सुना मुकेश मल्होत्रा क्या कह रहे हैं। वहीं इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ रहे हैं। सीधा विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए चुनाव जीतने के बाद मुकेश मल्होत्रा बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मायने हैं और क्या मामला है, जरा समझाइए। देखिए मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया था और बीजेपी ये मान के बैठी थी कि मुकेश मल्होत्रा अगर लड़ते हैं तो जीत जाएंगे और ठीक वही हुआ। और इससे पहले जब मुकेश मल्होत्रा का टिकट चर्चा में था कि कांग्रेस उन्हें टिकट देने वाली है, तो मुकेश मल्होत्रा आज जीत के बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनको खरीदने की कोशिश की है। बाकायदा राम निवास रावत के परिचित उनके पास आए और बोले चुनाव से पहले 2 करोड़ रुपये ले लो और जब फॉर्म विड्रॉ करना हो उस वक्त 3 करोड़ रुपये की डील ऑफर की थी। और मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और यही वजह है कि चुनाव जीत गई है कांग्रेस। लेकिन सबसे बड़ा एक आरोप यह है कि उन्हें जान से मरवाने की कोशिश की, डकैत भेजे गए। हालांकि विजयपुर में जो हुआ वो सबने देखा, जमकर हिंसा हुई और यहां पे यह भी एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि विजयपुर में मतदाताओं को भी वोट डालने से रोका गया। लेकिन यह पूरा आखिर घटनाक्रम यह कैसे चलता रहा, यह एक सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां पर इतनी मुस्तैद थी, उसके बावजूद भी हिंसा हुई, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुकेश मल्होत्रा के जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। अगर राम निवास रावत पर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो यह चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर सकता है कि क्या मुकेश मल्होत्रा की बात पे सच्चाई है। बीजेपी जा सकती है, अगर बीजेपी ने इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया है, कोई डील ऑफर नहीं की थी मुकेश मल्होत्रा को, तो बीजेपी जा सकती है कि आखिर वो कौन लोग थे और ये राजनीति में इस तरीके के झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो राम निवास रावत मानहानी का भी दावा कर सकते हैं। मल्होत्रा ने यह बड़ी बात कह के मध्यप्रदेश में एक बार फिर सियासी जो हलचल है वो बढ़ा दी है। उसके पीछे की बात है कि अभी अभी चुनाव हारे हैं राम निवास रावत और सदमे में है, पार्टी हाईकमान से चर्चा कर रहे हैं, कोई ना कोई हार के कारण तलाश। ऐसे में मुकेश मल्होत्रा का यह बयान राम निवास रावत के लिए एक सेफ स्टैंड खड़ा कर सकता है। मुकेश मल्होत्रा की एक बार मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। अगर रावत ने इस बयान को लेकर अगर ये कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और जनता के बीच में उनको बदनाम करने की कोशिश मुकेश मल्होत्रा कर रहे हैं, तो फिर यकीन मानिए कि अब इस पूरे मामले में मानहानि। जी बिल्कुल विवेक, देखिए ये बेहद ही गंभीर आरोप मुकेश मल्होत्रा ने लगाए हैं और ये भी देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।